मसूरी में महिला कांग्रेस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा सरिता आर्य ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्नाव में युवती के साथ हुए बलात्कार और उसको जान से मारने के प्रयास की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ना ही उत्तर प्रदेश में और ना ही उत्तराखंड में। महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलते हुए डर रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुप्पी क्यों साधी हुई है? वहीं भाजपा की शीर्ष महिला नेताओं ने भी इस पर मुंह क्यों बंद रखा है, ऐसी बात सरिता आर्य ने की है। लाइव उत्तराखंड के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अब 20 अगस्त को हमारे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है, तो उसकी तैयारियों के लिए माननीय प्रभारी जी ने यहाँ पे बैठक रखी थी। जिस तरह से महिलाओं को 33% आरक्षण माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हमें दिया, हमें सम्मान दिया, जिससे पंचायतों में हमें ये सम्मान मिला। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत, BDC, प्रधान, सभी महिलाएँ बनी। और यूथ को जिस तरह से उन्होंने 18 वर्ष में वोट डालने का अधिकार दिया, उसका हम लोग बर्थडे 20 अगस्त को एक भव्य मना रहे हैं, जिसमें महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, सब लोग मिलकर किसी ना किसी, जैसे पेड़ लगाना है, कोई गोष्ठी करनी है, हम लोग उन्हें 3 दिन तक ये प्रोग्राम करने हैं। निर्भया के बाद एक उन्नाव कांड एक ऐसा कांड था जिसमें जनता को भी बिल्कुल सड़कों पर, इस तरह से अगर आज होगा तो देखिए अराजकता इतनी फैल गई है योगी के राज्य में। वहाँ उन्नाव में पहले उसका रेप किया, योगी की, योगी राज में कोई सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा भाजपा ने दिया है वो बिल्कुल कोरा सिद्ध हो रहा है, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बिल्कुल मौन बैठे हैं। देखिए निष्कासित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको आपने निष्कासित किया है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, और भाजपा में यही केस नहीं हो रहा है, उनको फांसी की सजा सुनाएं माननीय मोदी जी, क्योंकि वो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। वो ऐसे ऑर्डर दे दें कि जिससे कि कल कोई भी हो इस तरह की अराजकता, इस तरह का दुर्व्यवहार और हमारे रेप के कांड बंद होंगे। अगर उन्हें फांसी की सजा ये सुनवाते हैं, अगर ये प्रावधान रखेंगे तो हम इसका स्वागत भी करेंगे, सारी महिलाएं उसका स्वागत करेंगी, नहीं तो आगे ये हम लोगों के धरना प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे, पूरी महिला कांग्रेस उसमें तत्पर आगे रहेगी और हमारे राज्य सरकार भी उसमें कोई कदम नहीं। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।